पिता के लिए न्याय मांगा तो आबरू पर हमला। सीकर में दिव्यांग पिता को चयनित सेवा लाभ मांगने गई बेटी के साथ कोर्ट में ही छेड़छाड़। दिव्यांग पिता को चयनित सेवा का लाभ मांगने गई बेटी के साथ कोर्ट में ही छेड़छाड़। सीकर कोतवाली और झुंझुनू के बग्गड़ थाने में मामला दर्ज। राजस्व अपील अधिकारी कोर्ट में कार्यरत पिता की एक बेटी ने जब अपने पिता के लिए चयनित सेवा का लाभ मांगा तो बदले में कोर्ट के दो कर्मचारियों ने बेटी की आबरू पर ही हाथ डाल दिया। पीड़िता ने उसके साथ कोर्ट में छेड़छाड़ करने, रुपए मांगने और विभाग के जयपुर कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी के छेड़छाड़ करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने घटना की FIR सीकर के कोतवाली और बग्गड़ थाने में दर्ज करवाई है। दरअसल मामला राजस्व अपील अधिकारी कैंप कोर्ट झुंझुनू में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उसकी वेतन मान का लाभ मिलने से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए उसकी बेटी ने राजस्व अपील कोर्ट सीकर से गुहार लगाई। उसके बाद 20 अक्टूबर को राजस्व अपील अधिकारी सीकर के PA गोपाल जोशी ने उसे फ़ोन कर सीकर बुलाया और उसके पीड़िता को चैम्बर में लेकर जाकर असली हरकत की। इसी दौरान वहां सहायक अपील अधिकारी चिरंजी लाल वर्मा भी आया और उसने भी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। उसके बाद दोनों ने किसी को बताने पर पीड़िता के पिता को नौकरी से निकालने की धमकी दी। इसके बाद युवती ने राजस्व कमिश्नर जयपुर कार्यालय में एक पत्रावली पेश की। कुछ दिन बाद राजस्व विभाग के कर्मचारी भगीरथ यादव ने फ़ोन किया और धीरे धीरे मामले के निस्तारण की बात को लेकर दोनों के बीच बात शुरू हो गई। यादव ने फ़ोन पर अश्लील चैट करना शुरू कर दिया और पीड़िता को मिलने के लिए कभी जयपुर तो कभी खाटू श्याम जी बुलाने के लिए कहने लगा। पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट 23 अक्टूबर को झुंझुनू के बग्गड़ थाने में दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता के दो से अधिक संतान है, ऐसे में उसके पिता को चयनित वेतनमान सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके लिए उसने राजस्व विभाग जयपुर कार्यालय में पत्रावली पेश की थी। कुछ दिन बाद ही वहां के एक कर्मचारी भगीरथ यादव ने उसे फ़ोन किया, जिसने उसके पति के साथ इस विवाद का निस्तारण करवाने की बात को लेकर उससे बातचीत शुरू कर दी और उसे अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिया। भगीरथ ने उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला और मिलने के लिए खाटू श्याम जी और जयपुर बुलाता रहा। इसके बाद 24 अक्टूबर को 22 वर्षीय पीड़िता ने सीकर के कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। मामले में उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को राजस्व अपील कार्यालय से राजस्व अपील अधिकारी के PA गोपाल जोशी ने उसे फ़ोन कर सीकर बुलाया, जहां वह उसे चैम्बर में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही सहायक अपील अधिकारी चिरंजी लाल वर्मा भी वहां पर पहुंचा, जिसने भी उसके साथ छेड़छाड़ की और यह बात किसी को बताने पर उसके पति को नौकरी से निकालने की धमकी दी। सीकर कोतवाली के जांच अधिकारी SI राम अवतार यादव ने बताया कि मामले में बयान लिए जा चुके हैं और अनुसंधान जारी है। हाँ गुड़िया, क्या मैटर है? सर, मेरा नाम कृष्णा दादीच है और मेरे पापा का नाम रामलखन दादीच है। वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी RW कोर्ट झुंझुनू में, तो उनका कोई संतान संबंधी विवाद चल रहा है जो विचाराधीन है अभी कमिश्नरेट कार्यालय में, तो उसको लेकर के हम जयपुर गए थे। जयपुर जाने के बाद में हमें वहाँ से किसी भागीरथ यादव का फ़ोन आता है। फ़ोन आने पर उसने थोड़े दिन बाद अश्लील बातें और अश्लील चैट करता है, फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। हमने उससे पूछा कि तुम्हें हमारे नंबर किसने दिए, तो उसने कहा कि आपके सीकर वाले कार्यालय में गोपाल जोशी और चिरंजी लाल जी थे, वो जयपुर आए थे और हमें नंबर दे के गए थे आपका। फिर थोड़े दिनों बाद हमने वो केस दायर नहीं किया क्योंकि हमें कमिश्नर सर ने, एडिशनल कमिश्नर ने बोला था कि आप पुलिस मत जाना, हम इसको यहीं से सस्पेंड कर देते हैं, अगली बार अगर कुछ ऐसा होता है तो हम इनको सीधा जेल में डाल देंगे। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई हमें पता नहीं है। उसके थोड़े दिनों बाद 20 अक्टूबर को हम सीकर गए थे डॉक्यूमेंट्स लेने कुछ। उसके बाद में गोपाल जोशी जी ने मुझे अपने चैम्बर में बुला के मेरे साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। मैंने उसका विरोध किया तो उन्होंने अगेंस्ट में बोला कि अगर विरोध करोगे तो हम आपके पापा को जॉब से निकाल देंगे। दो दिन तक घर पर आने के बाद मैंने किसी को बताया नहीं। फिर दो दिन बाद मैंने पापा को बताया क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया, फिर मैंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की 10 दिनों तक। रिपोर्ट कहाँ करवाई? सीकर थाने में। उसके बाद 3 तारीख को हमारे पास नोटिस लेके आते हैं ये लोग कि आपके पापा को APO कर दिया गया है। 4 तारीख को दिवाली के दिन हमें बताया जाता है,
हमारी दिवाली भी ऐसी चली गई, उस वक्त पापा को डेंगू हो रहा था, हमने रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसके अंदर, तो उन लोगों ने इस तरह से परेशान किया। फिर हम लीव की एप्लीकेशन लेके गए तो इन लोगों ने लीव की एप्लीकेशन लेने से भी मना कर दिया।